अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और उसके बाद वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। और आज का वीडियो का टाइटल जो है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। लेडीज़ के लिए तो है ही, इनफैक्ट जेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव वीडियो है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सा फेशियल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से घर की चीज़ों से, जो चीज़ें हमारे घर में एट अ टाइम अवेलेबल रहती हैं, उससे जो है वो मैं शेयर करूँगी। मैंने तकरीबन 20 या 22 डेज़ पहले जो है वो ये वाला फेशियल ट्राई किया था। इसके मुझे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिले थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि आज मैं दोबारा से ये फेशियल जो है वो ट्राई करने जा रही हूँ, अपने ऊपर जो है वो मैं करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने अपने लिए जो है वो 30 मिनट्स निकालने हैं। हम हाउसवाइफ जो हैं वो बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, और बिल्कुल बस घर के काम और बच्चों के काम और बस अपने लिए बिल्कुल हम वक्त नहीं निकाल पाते। आप लोग मेरे डार्क सर्कल्स देख रहे हैं, आजकल कितने ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। मैंने इसके लिए भी एक रेमेडी आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर इफेक्टिव रही तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो स्किन मेरी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो डल हो रही थी, पोर्स ओपन हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल अनग्लोई हो रही थी, बिल्कुल जो है वो हेल्दी स्किन नहीं हो रही थी। ये वाला फेशियल आपकी स्किन को ग्लो भी देगा, आपकी स्किन को जो है वो हेल्दी भी करेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज भी करेगा, ग्लो भी देगा। सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का ये फेशियल। आप लोग मेरे साथ रहिए प्लीज़, और प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया है तो आप लोगों को इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे आटा, ठीक है, नॉर्मल आटा जो हमारे घरों में होता है, तकरीबन ये 1 चम्मच जितना मैंने आटा ले लिया है, जो कि आपके फेस और नेक के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें मैं डालूँगी दही, ठीक है, दही मैंने डाला है तकरीबन 1 चम्मच, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दूध। दूध जो है वो बॉयल नहीं है, कच्चा दूध है। कच्चा दूध जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है बनस्पत बॉयल दूध के, लेकिन अगर आपके पास कच्चा नहीं है तो आप बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स करके इसका ज़बरदस्त सा एक ऐसा पेस्ट बना लेना है, ताकि ये हमारे फेस पे जो है जब इसको अप्लाई करें तो ये अच्छा सा अप्लाई हो जाए। ठीक है, मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा पेस्ट होना चाहिए जो कि हमने क्लींजिंग के लिए अपने फेस पे लगाना है। रनी सा होना चाहिए, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम जो है बिल्कुल फेस पे हमारे स्टेबल ना हो और बिल्कुल ये बह जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने पेस्ट बनाना है। अब आपने इसको लेना है इस तरीके से अपनी फिंगर्स पे, ठीक हो गया, फिंगर्स पे लेना है। आपने इतना बना लेना है कि आपके फेस और नेक दोनों पे जो है वो ये लग जाए। हम इसको लगाएंगे फेस पे, इस तरीके से आपने इसको क्लींजिंग करनी है अपने कंप्लीट फेस की, तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट हम क्लींजिंग करेंगे, 10 मिनट ही हम एक्सफोलिएशन करेंगे, और 10 मिनट ही हम करेंगे मास्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, हल्के हाथों से जेंटली आपने मसाज करना है, और दही और दूध दोनों चीज़ें हमारी ठंडी थी तो इससे बहुत ही अच्छा जो है वो आपको फेस रिफ्रेशिंग लगेगा। और ये करने के दौरान जो है, इससे पहले फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने ठंडा पानी जो है वो रख देना है फ्रिज में, या अपने पास आपने रख लेना है ठंडा पानी, और ठंडे पानी से आपने जो है वो अपना फेस वॉश करना है आफ्टर क्लींजिंग। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं मुझे फेस पे जेंटली मसाज करते हुए, इतना अच्छा और इतना रिफ्रेशिंग सी फील आ रही है अभी से फेस पे, सॉफ्टनेस जो है वो फील हो रही है क्लींजिंग करके, जो हमने मिक्सचर बनाया था उससे। 10 मिनट्स आपने ज़रूर करनी है। अब क्या करना है कि अब आपने देखिए, मैंने नेक पे भी की है और उसके साथ ही फेस पे भी की। अब आपने ठंडे यख पानी से, फ्रिज का ठंडा बर्फ का पानी जो होता है उससे आपने फेस को अपने वॉश करना है, और उसके बाद हम करेंगे एक्सफोलिएशन, वो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं फेस वॉश करके आती हूँ। और अब बारी आती है, फेस को मैंने वॉश कर लिया था ठंडे पानी से क्लींजिंग करने के बाद, अब हम करेंगे एक्सफोलिएशन, यानी हम अपने स्किन को जो है वो जान डालेंगे, उसको एक्सफोलिएट करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे। उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मैंने ले ली है पाउडर शुगर, ठीक है। चीनी को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसका पाउडर नहीं बनाना, ऐसे थोड़ा सा दरदरा से जिसे कहते हैं ना, हल्के हल्के से उसमें ग्रैनुल्स होने चाहिए,
वो लिया, उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा मिल्क पाउडर। अगर आपके पास एवरीडे है एवरीडे डाल लें, एवरीडे नहीं है नीडो है वो डाल लें। उसके साथ मैं डालूंगी यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस के, 4 या 5 ड्रॉप्स हमने डालने हैं लेमन जूस के। और सबसे एंड में मैं इसमें डालूंगी योगर्ट। दोबारा से हम डालेंगे इसमें दही, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए। ठीक हो गया, ये हमने डाल दी है इसमें दही। इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इससे फिश अपने टेस्ट को जो है वो हम एक्सफोलिएट करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करती हूँ मैं आपको बता। ये देखिए इस तरीके से बन गया हमारा मिक्सचर, जो हमने अभी चारों चीज़ें मिक्स की हैं। इससे हम अपनी स्किन को करेंगे एक्सफोलिएट। हम इस तरीके से इसको फेस पे 10 मिनट्स आपने इसको भी जेंटली इसका भी मसाज करना है। ठीक है, अगर एवरीडे नहीं है तो आप नीडो डाल लें, नीडो नहीं है तो एवरीडे डाल लें, मगर डालना ज़रूरी है। इस तरीके से हम जेंटली इसका मसाज करेंगे अपने पूरे फेस पे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स हो गए मुझे एक्सफोलिएशन का मसाज करते हुए, जो हमने एक्सफोलिएटर बनाया था उसका हमने मसाज किया है। 10 मिनट्स हो गए हैं, और अब जो शुगर के जो बारीक बारीक ग्रेनुल्स हैं वो आपको इस तरीके से मसाज करना है कि वो आपके फेस पे जो है वो जेंटली रब होने चाहिए, और उससे जो है वो बिल्कुल वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। दोबारा से ठंडे यख पानी के साथ हमने फेस को वॉश करना है, और फिर उसके बाद आते हैं, फिर हम अपना मास्क प्रिपेयर करेंगे। अभी सिर्फ हमारे 2 स्टेप्स हुए हैं, क्लिंजिंग और एक्सफोलिएशन। और ज़रा आप स्किन पे मेरी ग्लो चेक करें, देखिए कितनी सॉफ्ट और इतनी हेल्दी और इतनी सॉफ्ट स्किन हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छी हो गई है, और इतना अच्छा मुझे रिफ्रेशिंग सी फील आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है मास्क का। ठीक है, मास्क बनाना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल घर की चीज़ें, कोई ऐसे बाहर से ख़रीदना ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको। जस्ट एक विटामिन ई का कैप्सूल है जो कि आपको परचेज करना पड़ेगा, जो कि ईजिली अवेलेबल है। 30 मिनट्स आप लोगों ने निकाल लेने हैं, सब लेडीज़ ने, यहाँ तक कि जेंट्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी छोटी बच्चियाँ हैं स्कूल गोइंग हैं वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं। एक्स वाई जेड सब लेडीज़ जो है वो किसी भी एज की, उनके लिए टोटली इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा है, ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब मैं बनाने जा रही हूँ मास्क, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो ये जी मैं बना रही हूँ मास्क। आपने थोड़ा सा बाउल जो है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, उसको इग्नोर करना है। यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है बादाम। बादाम का बिल्कुल मैंने ऐसा दरदरा सा पाउडर से बना लिया है हमने। ठीक हो गया, अब इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा मिल्क पाउडर। ठीक है, मिल्क पाउडर कोई सा भी मिल्क पाउडर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि नीडो या एवरीडे हो। ठीक है, थोड़ा सा हमने मिल्क पाउडर डाला, उसके साथ मैंने डाला है इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध। ठीक है, साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ये वाला हमारे पास है विटामिन ई का कैप्सूल, ईवियन का। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लोकल भी मिलते हैं, कोई भी ले लें। ठीक है, ये हमने डाल दिया, और उसके साथ ही हमने डालना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल। ये वाला मैं डाल रही हूँ, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स डालने, इसका मिक्सचर बनाना है। ठीक हो गया, अब मैं इसका मिक्सचर बना रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से कुछ हमारा ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया जी, इस तरीके से हमने इस मिक्सचर को तैयार कर लेना है। 5 मिनट आपने इसको फेस पे लगा के रखना है, और 5 मिनट इसको छोड़ देना है। ये देखें कुछ इस तरीके से हमारा ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा रनी सा होगा, ठीक है, क्योंकि मास्क है तो इसलिए। अब हमने क्या करना है कि 5 मिनट हमने इसको अपने फेस पे ऐसे लगा के रखना है। ठीक हो गया, 5 मिनट हमने इसको लगा के रखना है, और 5 मिनट हमने इसको छोड़ देना है फेस पे। इतनी प्यारी इसमें विटामिन ई के कैप्सूल की खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव। मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है, दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को, आप लोग मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। तो मैं इसको जो है वो कंप्लीट करती हूँ, 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ते हैं फेस वॉश करके, फिर आपको दिखाते हैं। 10 मिनट्स हो गए हैं टोटली मुझे फेस पे स्क्रब लगाए, सॉरी मास्क अप्लाई किए हुए। 5 मिनट्स मैंने इसका मसाज किया था, 5 मिनट्स मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। बस अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने के लिए, और वॉश करने के बाद हम आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो ये देखिए मैं अभी अभी रिसेंटली फेस वॉश करके आई हूँ आफ्टर मास्क एप्लीकेशन, और ये देखिए आप ज़रा ग्लो चेक करें,
इतना अच्छा ग्लो आया है फेस पे, इतना ज़बरदस्त जो है वो स्किन इतनी शाइनी, इतनी हेल्दी, इतनी सॉफ्ट लग रही है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। डार्क सर्कल्स को आपने मेरे भी अवॉइड करना है, इसके लिए रेमेडी भी मैं जो है वो कर रही हूँ यूज़। अगर इफेक्टिव रही, मैंने पहले भी बताया, ज़रूर शेयर करूँगी, तो जो है वो आप देखें, स्किन देखें, इतनी अच्छी, इतनी हेल्दी हो गई है और इतना ज़बरदस्त सा ग्लो आया है, मुझे बाकी में खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा उसमें चेंजिंग्स आई हैं। सिर्फ ये ईजी से 3 स्टेप्स करने से आप ये ज़बरदस्ती ग्लोई स्किन अपने घर पे जो है वो विदाउट एनी खर्चा, विदाउट पैसे खर्च किए जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स करिएगा अच्छे अच्छे से कि आप लोग अगर ये ट्राई करेंगे। मैंने फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल में भी फेस वॉश करके आई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने और ये ज़रूर ये वाली रेमेडी यूज़ करनी है, ये वाला फेशियल जो है वो ज़रूर ट्राई करना है घर पे और मुझे बताना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मिलूंगी मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।